सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स एफ लगाई, तो आप इसे पुश कर रहे हैं कि पुल, आप इसे पुश कर रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं, मुझे लगता है पुल कर रहे हैं हम इसे, हम इसे पुल कर, बच्चा जब खिलौने के साथ खेलता है तो टॉय पड़े चेन के साथ उसे पुल करता है, पुश नहीं करता, फर्क है। तो क्या हो रहा है, ये पुल भाई, इट इज ईजियर टू पुश और पुल का क्वेश्चन आना है पेपर में, तो ये पुल कर रहा है बाय फोर्स ऑफ एफ, कितने एंगल पर, थीटा, तो थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, क्या हुआ क्वेश्चन है ये, हमने लास्ट टाइम किया था और हमने इसके डायग्राम भी बनाए थे, जब मैंने कहा था कि डायग्राम बना के दिखाओ, तो इसमें एफ फोर्स से पुल कर रहा है, थीटा एंगल है, नॉर्मल रिएक्शन एन है, वेट इसका एम जी है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ कॉस थीटा और वर्टिकल साइन थीटा, और वेट एम जी। अब मैंने आपको ये क्लास में करवाया भी था और उसके डायग्राम भी बनाए थे जब पुश और पुल का एग्जाम्पल चला था, उसमें क्या था, मैंने पूछा था नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो आपने कैसे आंसर दिया था, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या थी, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एन इज इक्वल टू क्या, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन में था बॉडी जस्ट एबल टू मूव, जैसी क्वेश्चन में लिखा जाता है बॉडी जस्ट एबल टू मूव, यानी कि एक्सीलरेशन कितनी, जीरो, तो एक्सीलरेशन उसी टाइम जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तो ऐसा नहीं कि बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी चलेगी बट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कौन सी फोर्स बॉडी को चलाएगी, एफ, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो बॉडी को राइट लेके जा रही है वो क्या है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और पीछे की तरफ फोर्स क्या है, एफ, फ्रिक्शन की फोर्स है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, बॉडी जस्ट एबल टू मूव, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, ना तो एफ कॉस थीटा बढ़ा ना एफ बढ़ा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो याद करो हमने क्लास में किया था एफ की वैल्यू निकालो, तो आपने कैसे निकाली थी, एफ कॉस थीटा को आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ इक्वेट किया, ये रहा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को आपने यहां से यहां पुट किया, इसे ओपन किया, एफ वाली टर्म्स को एक तरफ रखा और फोर्स की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी, मैंने आपको एफ की वैल्यू पुश और पुल दोनों में निकालने को सिखाई थी और दोनों डायग्राम बने हुए हैं आपके यहाँ, यहाँ तक क्लियर है। पर क्वेश्चन ये है ही नहीं कि एफ निकालो, क्वेश्चन अगर ये होता कि बस एफ निकाल दो आंसर आ गया, आप ऑब्जेक्टिव इसे मार्क कर लेना डन, क्वेश्चन में ये है, दो क्वेश्चन आएंगे आगे फर्दर इसके ऊपर, एफ तो आ गया एक आंसर आ गया, क्वेश्चन आएगा आप ऐसा एंगल बताओ मुझे, आप मुझे एंगल बताएं थीटा क्या हो कि फोर्स की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है, कई फोर्स की वैल्यूज हो सकती हैं, थीटा 30 डिग्री पे एफ डिफरेंट होगा, 60 डिग्री पे एफ डिफरेंट होगा, 80 डिग्री पे एफ डिफरेंट होगा, थीटा पे डिफरेंट होगा, तो कह रहे हैं कि आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे वो एंगल बताएं थीटा कि एफ की वैल्यू कम से कम लगे आपसे, मतलब आप मिनिमम फोर्स लगाएं और बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, क्वेश्चन चेंज हो गया, तो अगर तो एफ पूछा होता फिर तो आंसर डन था, अब आपसे मिनिमम एफ पूछा और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली थीटा पूछा, अब मिनिमम एफ निकालने के लिए आपको याद होगा एक टॉपिक किया था हमने प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया प्रोजेक्टाइल के अंदर एक टॉपिक आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो उनको नहीं समझ में आएगा बाकी समझ में आएगा, हमने किया था मैक्सिमा मिनिमा, किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसे डिफरेंशिएट और इक्वल टू क्या जीरो करते हैं, तो क्यों करते हैं, हमने मैक्सिमम मिनिमम के अंदर किया, तो हमने इस बार किसको मिनिमम करना है, फोर्स को, तो फोर्स को क्या करेंगे डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करें, एक्स करें, वाई करें, टी करें, थीटा करें, क्या करें, जो चीज निकालनी है जो वेरिएबल है, मैं क्या निकालने को बोल रहा हूं आपको, एंगल थीटा, ताकि एफ क्या हो जाए मिनिमम, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या इसको करेंगे डिफरेंशिएट, थीटा, और इक्वल टू क्या पुट कर देंगे जीरो, तो एफ की पूरी वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, म्यू एम जी कॉन्स्टेंट जीरो से कट जाएगा, आपके पास ये टर्म बचेगी, इसमें न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, तो डिनोमिनेटर
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मुझे पता है कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो। ये पूरी की पूरी टर्म उड़ गई तो आपके पास क्या बचा, माइनस पूरा ये टर्म बच गई, डिनोमिनेटर भी जीरो से कट गया, ये भी गया, बस ये बच गया। इसके अंदर भी माइनस वन भी जीरो से कट ही जाएगा, खत्म हो गया। फिर कैलकुलस लगेगा, कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा की कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन थीटा इज माइनस म्यू कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू। तो आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आएगा, ये एनसीईआरटी सब्जेक्टिव नहीं आएगा, स्कूल में नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा बुक्स में। क्या कहेगा कि फोर्स की वैल्यू अगर मिनिमम करनी है तो बोलो कौन सी कंडीशन ट्रू है। पहला ऑप्शन टेन थीटा म्यू, दूसरा कॉस थीटा म्यू, तीसरा कॉट थीटा म्यू, लास्ट साइन थीटा म्यू। तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, अपने फॉर्मूला रजिस्टर जो आप मेंटेन कर रहे हो उसमें ये शॉर्टकट नोट ही कर लो। कैसे केस में, व्हेन वी पुल अ बॉडी, डायग्राम बना लेना, और इसमें फोर्स की वैल्यू अगर आपको क्या करनी है, मिनिमम मिनिमम, देन लिख लेना टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, टेन की, टेन थीटा और म्यू की अच्छी रिश्तेदारी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी टेन थीटा म्यू, एंगल ऑफ रिपोज भी टेन थीटा म्यू, एक दो न्यूमेरिकल किए थे तब भी टेन थीटा म्यू और अब भी टेन थीटा म्यू, पर ये हमेशा रिश्तेदारी रहेगी, जरूरी नहीं है कि पता लगे सर ने कहा था जहाँ टेन थीटा म्यू दिख दे वो पुट कर दो, नहीं, जो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं उसमें टेन थीटा म्यू फिर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया क्या करोगे, सॉल्व करके कैलकुलस करके क्या करोगे, इसको दिखाना है सीधा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, राइट, नोट कर लेना ऐसे भी। जी यहाँ तक ठीक है, तो tan theta is equal to mu क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आएगा कि पहला क्वेश्चन आएगा जब आप पुल कर रहे हो किसी बॉडी को तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स की वैल्यू आप पुट करेंगे ये ऑप्शन आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में बताओ थीटा की या tan थीटा की वैल्यू क्या हो कि फोर्स मिनिमम हो, तो आंसर क्या पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तीसरा क्वेश्चन ये फोर्स है, ये मिनिमम फोर्स नहीं है, फाइंड मिनिमम फोर्स, कम से कम फोर्स की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो अब आपको एक काम करना है, फोर्स मिनिमम कब होगी जब क्या कंडीशन है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, टेन थीटा म्यू का मतलब क्या है, म्यू बाय वन, तो पाइथागोरस से ये टर्म आ गई, तो इसके अंदर साइन थीटा किसके इक्वल है, म्यू अपॉन दिस, और कॉस थीटा किसके इक्वल है, वन अपॉन दिस। तो अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो tan थीटा म्यू है, sin थीटा इसके इक्वल है, cos थीटा इसके इक्वल है, तो फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इसमें cos और sin की वैल्यूज को यहां पे पुट करना, LCM लेना, ऑप्शन मार्क करना, समझ में आई। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फोर्स तक तो निकालना पड़ेगा, आधा आंसर आपको याद हो गया tan थीटा म्यू, फिर tan थीटा म्यू से ये sin cos निकालने पड़ेंगे और फिर यहां पर पुट करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, स्कूल में नहीं आएगा, ये आएगा तो नीट या मेज में ही आएगा, नॉट फॉर एनसीईआरटी, लिख लो बुकलेट के ऊपर, स्कूल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन, ये मेंस जो शीट दी है, नॉट फॉर बोलूंगा मेडिकल, मेडिकल के लिए नहीं है ये, नॉट फॉर नीट लिख लेना, ये नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर नीट, ओनली फॉर मेंस। तो मेंस के पेपर सॉल्व करने को दिए हुए हैं उसमें मिल जाएगा आपको, पहले आप ट्राई कर लें, कहीं ना कहीं डाउट की फॉर्म में पास आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, ये आया तो मेंस में क्वेश्चन है लेकिन नीट में भी आ सकता है, मेंस में भी कहीं भी आ सकता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गिवन ए एंड बी विल नॉट सेपरेट, कह रहे ए का वेट है 20 न्यूटन,
बी का वेट है 100 न्यूटन और आपने फोर्स लगाई इनको पकड़ के रखने के लिए, तो आपने फोर्स लगा दी ताकि एज इट इज ऐसे ऐसे ही रहे। अब एक बात बताओ कि अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी मतलब ही नहीं है टिक जाए, क्योंकि ये नीचे गिरेंगे बिकॉज ऑफ देयर वेट 120 न्यूटन, कौन बचाएगा इन्हें? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जहां कहां एक्ट होनी चाहिए, ऊपर। क्लियर है यहां तक? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाएगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कहानी सुन लो, अगर ए बॉडी नीचे गिरने की कोशिश कर रही है तो ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगी? ऊपर। पहला स्टेप क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू पे नहीं, क्वेश्चन डायरेक्शन में भी आ सकता है। वो पूछ सकता है कि ए के ऊपर फ्रिक्शन बोलो कहां करेगी? अपवर्ड्स, जो इसे बचाएगी नीचे गिरने के लिए। अब एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट के अकॉर्डिंगली अगर ए के ऊपर फ्रिक्शन ऊपर है तो बाय रिएक्शन बी के ऊपर ए की फ्रिक्शन नीचे, एक्शन रिएक्शन, क्योंकि एक बॉडी पे फ्रिक्शन है तो वो बॉडी दूसरी पे भी फ्रिक्शन लगाती है। तो ए के ऊपर एफ है तो बी के ऊपर नीचे एफ है, तो इस पे फ्रिक्शन हेल्प कर रही है नीचे ना गिरे, पर इसको फ्रिक्शन हेल्प कर रही है नीचे गिरे, पर ये नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि दीवार में भी फ्रिक्शन है। तो ये बॉडी जब नीचे गिरने की कोशिश करेगी तो दीवार की फ्रिक्शन कहां लगेगी? इसके ऊपर, ऊपर, और दीवार पे कहां लगेगी? नीचे। तो ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिखा रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे बनती है, हालांकि आप इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए बताया। तो अगर कल को ये पूछ ले कि बताओ ए के ऊपर फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रही है, आप क्या बोलेंगे? ऊपर। आपसे पूछेगा कि बताओ बी के ऊपर फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रही है, आप बोलेंगे ए की वजह से नीचे और दीवार की वजह से ऊपर। तो वो पूछ सकता है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। खैर, उसने ये हिंट दिया कि गिवन ए एंड बी विल नॉट मूव, विल नॉट सेपरेट। चलो अगर वो कह रहे हैं कि ए और बी सेपरेट नहीं हो सकते, ऊपर नीचे होंगे ही नहीं, तो फिर मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं कि बीच में फ्रिक्शन है? समझो मेरी तरफ से फेविको लगा के चिपका दिया, एक ही बॉडी है, बट कह तो रहा है कि सेपरेट ही नहीं होंगे। जब सेपरेट ही नहीं होंगे, समझो एक बॉडी है, तो एक बॉडी कितने वेट की है? 20 और 100, 120 न्यूटन डाउनवर्ड, क्योंकि वो कह रहे हैं दीवार से वो भी नहीं गिर रहा, बी भी नहीं गिर रहा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर दीवार पे क्या होनी चाहिए? या तो 120 न्यूटन या 120 न्यूटन से ज्यादा। ज्यादा होगी फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर कम से कम फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए जो वेट को क्या करे? बैलेंस। तो आपको ऑब्जेक्टिव में 90 न्यूटन, 80 न्यूटन, 120 न्यूटन और 100 न्यूटन ऑप्शन गिवन होंगे, ऐसा कुछ। आपने क्या मार्क करना है? 120 न्यूटन इज द आंसर। समझ में आया कैसे सोचना है इसमें? क्योंकि बचाने वाला फ्रिक्शन, गिरने वाला वेट, और आप चाहते हैं कि ना गिरे, तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू कम से कम वेट के इक्वल होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये मेंस की प्रॉब्लम है, अगेन मेंस के पेपर मिलेगी, तो जिस पहले कोई लोग एफर्ट करेंगे फिर उसके बाद आए, ऐसे करने का फायदा कोई नहीं होगा। नॉट फॉर नीट, प्लीज अगेन नीट वालों के लिए मुश्किल क्वेश्चन मत करें, चाहे जरूरत नहीं उनको करने की है, लिख लें नॉट फॉर नीट, पता लगे कि नीट वाले ऐसे अननेसेसरी क्यों टाइम खराब करना। ठीक है,